जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं उनसे सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता है और उसके लिए ये यात्रा है। और ये यात्रा संकल्प लेने की यात्रा है कि जिन लोगों ने भी आदिवासी भाइयों के साथ छल किया है उनको कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसकी जगह जेल में होगी उसकी जेल में होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी अस्मिता की बात करता है तो उसकी अस्मिता एक परिवार तक सीमित है और वो अभी अपने परिवार तक सीमित है। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे इससे ज्यादा नहीं है। क्या चंपई सुरेन आदिवासी नहीं था? क्या सीता सुरेन आदिवासी नहीं है? क्या वो उनको उनकी रक्षा करना हमारा काम नहीं था? उनको अपमानित क्यों किया गया? जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो वो आपको छोड़ के चला जाता है, आप इतना अपमान करते हो? ये आदिवासी की अस्मिता की तुम बात करते हो? जिस तरीके का उनको आहत पहुंचाई गई चंपई सुरेन जी को, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, जिस तरीके से उनको एक तरीके से उनका उलाहना की गई, इसको भी सारा जीवन देने वाले जो हेमंत के पिताजी के साथ जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आंदोलन किया वह भी उनको छोड़कर चले आए। इसलिए मित्रों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आदिवासियों का हित की किसी ने रक्षा की है और करेगी तो वह अकेली भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। बिरसा मुंडा का बलिदान आपको याद नहीं आया? आप दशकों तक राज करते रहे, आपको याद नहीं आया कि आदिवासी का गौरव दिवस भी मनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि बिरसा मुंडा के नाम पर कोई म्यूजियम बनना चाहिए? आपको याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कोई उनकी मूर्ति का स्थापन होना चाहिए? आपको ये याद नहीं आया कि जिसने आदिवासी के गौरव के लिए अपना बलिदान दिया उसके नाम पर कोई स्मृति बने? ये काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये हमको ध्यान में रखना। आज 15 नवंबर देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2025 में बिरसा मुंडा जी को 150 साल हो जाएंगे उनकी जन्म जयंती को, और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि वह आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और उसको आगे लाया जाएगा। आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था? कभी इसकी कल्पना क्यों नहीं की? और जैसा मैंने बताया कि अकेले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव गए, उस मिट्टी को नमन किया, उसके साथ अपने आप को आत्मसात किया और यहां पर राज्यपाल के रूप में भी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी बहन उनको भेजा गया और बाद में भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति बनाई गई महिला, तो वो द्रौपदी मुर्मू बनाई गई। इसलिए सही मायने में आदिवासियों को किसी ने अगर प्रतिष्ठा, इज्जत, मुख्यधारा में शामिल करने का काम किया है तो वह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।